नमस्कार, मैं सनी तुसीर। नरेला में आज फिर एक बार दिल दहला देने वाली घटना हुई है। नरेला में एक युवक को पेड़ से बांधकर बड़ी बेरहमी से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी है। यही वो पेड़ है जहां पर उस युवक को बांधा गया और उसको बड़ी ही बेरहमी से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि युवक पास ही की फैक्ट्री में जो है वो चोरी करने के लिए आया था, और चोरी करने के लिए जैसे ही वो फैक्ट्री के अंदर गया तो लोगों ने उसको पकड़ लिया और लोगों ने पकड़ कर उसको पेड़ से बांध दिया। यही जो आपको आसपास की ये कंपनियां दिखाई दे रही है, इन्हीं फैक्ट्रियों में जो है वो युवक चोरी करने आया था। जो शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि जिस तरीके से वो युवक चोरी करने आया तो यहाँ के लोगों ने उसको पकड़ लिया और इसी पेड़ से बांधकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस के द्वारा उसको नज़दीकी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। ये देख सकते हैं, यही वो कपड़ा है जिससे जो युवक को बांधा गया था और बांधकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। ये देख सकते हैं कि युवक शुरुआती जांच में जो है वो यही बताया जा रहा है कि आसपास की कंपनियों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने के लिए वो युवक आता था और आज वो लोगों के हत्थे चढ़ गया और लोगों ने उसको पेड़ से बांध कर उसकी खूब पिटाई की गई और पीट पीट कर उसको मौत के घाट उतार दिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी सोनू जी हमारे साथ है और उनसे भी जानते हैं कि पूरा मामला एक्चुअली था क्या 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 पूरा मामला था। सनी जी, सूत्रों के हवाले से दोपहर के समय यही खबर मिली थी कि एक युवक की लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दिया। उसे राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया गया था। हरिश्चंद्र में एडमिट कराने के बाद उसे तुरंत वहां से रेफर कर दिया गया। जो सूत्रों ने बताया कि उस वक्त तक उसकी मौत हो चुकी थी। फिलहाल ऐसे जिस तरीके से आज बोरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में एक युवक की पीट पीट कर हत्या की गई है, इस तरीके का लोगों को कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि अगर उस वो चोरी करने के इरादे से इंडस्ट्रियल एरिया में या किसी फैक्ट्री के अंदर घुसा है तो उसको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था, ना कि उसके मौत के घाट उतार देना चाहिए था। जिन भी लोगों ने उसकी हत्या की है या उसको पीटा है उनके खिलाफ जरूर कानूनी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर वो चोरी करने के लिए इन फैक्ट्री में आया था तो युवकों को उसको पीट कर उसको मौत के घाट नहीं उतारना चाहिए था, बल्कि उसको पुलिस के द्वारा जो है वो पुलिस को सूचना दी जानी चाहिए थी और पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। युवकों को अपने हाथ में न्याय कानून नहीं लेना चाहिए कि वो उसी समय युवक को उसकी सजा ऐसी सजा दे कि उसका जो हकदार भी न हो। तो पुलिस की पूरी तरीके से छानबीन कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसकी हत्या करने में कौन कौन लोग शामिल थे। फिलहाल जिस युवक की हत्या की गई है अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि वो युवक कहां का रहने वाला है और उसकी नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में उसका मकान कहां पर है, लेकिन शुरुआती जांच में फिलहाल यही बताया जा रहा है कि वो युवक नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में चोरी करने के लिए आया था और युवकों ने उसको पकड़ लिया और इसी पेड़ पर बांध दिया और पेड़ पर बांधने के बाद उसको लाठी डंडों से उसको जो है बुरी तरीके से पीटा गया और उसको घायल कर दिया गया। जैसे ही लोगों का मन नहीं भरा तो उसको और दोबारा पीटा गया और लगभग बताया जा रहा है कि एक या डेढ़ घंटे तक उसको इसी तरीके से बांधे रखा और उसकी पीट पीट कर जान ले ली, मौत के घाट उतार दिया। जैसे ही दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना मिली तो दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरी दिल्ली पुलिस मामले की छानबीन गहनता से करने लगी। जी सोनू जी, अगर इस तरीके से न्याय को जो है कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, अगर चोरी करने के लिए वो आया था तो उसको तुरंत पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। सनी जी, ये होना भी चाहिए, कानून भी यही कहता है, अगर कोई चोरी करने के लिए आया था तो उसे कानून के हवाले कर देना चाहिए था, ना कि लोगों को अपने हाथ में कानून लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे करके अगर कोई भी कानून को हाथ में ले लेगा इस तरीके से तो कानून हाथ में लेने से कई समस्या भी आगे आ सकती है। बिल्कुल, इस तरीके से लोगों को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। क्या पता वो चोर था या चोर नहीं था, वो क्या करने के लिए आया था, तो अभी तक इस मामले की पूरी छानबीन नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरीके से नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में युवक को बेरहमी से पीटा गया है और उसको पीट पीट कर उसको मौत के घाट उतार दिया गया है, ये बेहद निंदनीय है और उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी अनिवार्य है और जरूरी भी है। देखते रहिए, प्रदीप यादव के साथ मैं सनी तुसीर, दिल्ली समाचार, नरेला।